दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और खटास होने की वजह से हमने देखा कि मैदान पर भी इसका असर पड़ा और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की कोई भी द्विपक्षीय सीरीज बीते कुछ सालों से नहीं हुई। लेकिन अचानक से एक खबर बहुत चर्चाओं में है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर अब आईपीएल में खेलता नजर आ सकता है। आपको बता दें कि बीसीसीआई की तरफ से जैसे पाकिस्तान और भारत के जो सीमा विवाद है और जो मतभेद रहते हैं उनको देखते हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा रखा है कि ये आईपीएल में नहीं खेल सकते। तो उसके बावजूद ये खबर कहां से वायरल हो रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि मोहम्मद आमिर नाम के प्लेयर दोस्तों अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से यहां इंडियन प्रीमियर लीग खेलते नजर आ सकते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, ये सचमुच बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने की तैयारी बनाते नजर आ रहे हैं और क्या उन्हें आईपीएल खेलने की इजाजत मिल जाएगी या नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में मौका मिलना चाहिए तो एक लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल हजारों की संख्या में लोग आईपीएल की नीलामी में शामिल होने के लिए अपना नाम भेजते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खेलने पर पाबंदी है। पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने की वजह से बीसीसीआई ने यह कठिन और कठोर फैसला लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कह चुके पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर आईपीएल में खेलते नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, विवादों की वजह से महज पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आमिर ने ब्रिटिश नागरिकता के लिए अर्जी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने के बाद अब वह विदेशी लीग में खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदेशी लीग में वैसे तो वो खेल रहे हैं लेकिन आईपीएल में भी खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो वह आईपीएल में खेलते नजर आ सकते हैं। आमिर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस वक्त अनिश्चित समय के लिए यूनाइटेड किंगडम में रहने की इजाजत मिल चुकी है। मैं इन दिनों अपने क्रिकेट को और ज्यादा मजे से खेल रहा हूँ क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड और रोमांच से खेलता हूँ। अगर अगले 6-7 साल तक का खेलने का इरादा है मेरा, मेरे बच्चे इंग्लैंड में बड़े हो रहे हैं और पढ़ाई भी यहीं करते हैं, ऐसे में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि मैं अपना से ज्यादा वक्त यहीं बिताऊंगा। मैं कई अलग चुनौतियों और संभावनाओं की तलाश में हूं। देखना होगा मुझे ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो चीजें कैसे बदलती हैं। पिछले साल दिसंबर में आमिर ने एक वीडियो जारी करते हुए संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीम के कुछ कोचिंग स्टाफ नहीं चाहते कि वह खेल जारी रखे। आमिर का कहना था कि उनके साथ भेदभाव किया गया और कुछ लोग उनको टीम में नहीं रखना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से मोहम्मद आमिर ब्रिटिश नागरिकता के लिए अर्जी दे चुके हैं। अगर उनको ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं माने जाएंगे बल्कि अब ब्रिटिश के नागरिक माने जाएंगे। तो ये बात क्लियर है कि वो आईपीएल में भी खेलते नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या आईपीएल की कोई फ्रेंचाइजी उन्हें खरीदना पसंद करेगी या वो खुद अपनी तरफ से आईपीएल में खेलने की पहल करेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा और बहुत ज्यादा ये विवादों में भी रहेगा, क्योंकि आमिर किसी अगर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हैं आईपीएल में तो वो सचमुच विवादास्पद रहेगा, जो देखना अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। लेकिन दोस्तों क्या आपकी राय है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद के चलते क्या उस पर खेल पर भी असर पड़ना चाहिए? क्या इनके बीच कोई ऐसी सीरीज होनी चाहिए जिसको देख फैंस रोमांचक हो जाए? क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो दोस्तों अपने आप ही लॉकडाउन जैसा माहौल बन जाता है। तो बहुत जरूरी है भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीमा विवाद हो तो, अगर कोई रिश्ते में दरार है तो उसको भरने की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोहम्मद आमिर क्या सचमुच आईपीएल खेलने का मन बनाते हैं या नहीं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स में दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।